Hello everyone, this is Deepika. Welcome to R.G.A.D. Commerce classes. Now, in this video, we are going to discuss international marketing. वैसे तो हम मार्केटिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे और हमने सारे 42 वीडियोस प्लेलिस्ट में पढ़ी हैं. जिन्होंने ना देखी हो, प्लीज़ आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा, आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगी. और मैंने एक बेस्ट तो मैं अपनी तरफ से नहीं कह सकती हूँ, बट हाँ, ईजी वे में समझाने की कोशिश की है, ठीक है. और ये इंटरनेशनल मार्केटिंग, कल एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम इसका मीनिंग एंड स्कोप, इसका मतलब क्लियर कर दीजिए, इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या है. तो मैं अभी इंटरनेशनल मार्केटिंग बताने जा रही हूँ, ठीक है. देखो, इंटरनेशनल मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग हमें पता है, ठीक है. क्या पता है मार्केटिंग हमें, मार्केटिंग के बारे में पता है. जस्ट अ मिनट, इसको मैं अच्छे से समझाती हूँ. देखो, मार्केटिंग का हमें पता है कि मार्केटिंग में क्या करते हैं हम, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सेल करते हैं या परचेज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज. मार्केटिंग में क्या है, बेसिकली यही तो होता है, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना. प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स एंड सर्विसेज को सेल एंड परचेज करना, ठीक है. एक सेल करता है, एक परचेज करता है, ठीक. परचेज हम लोग कस्टमर परचेज करते हैं. मार्केटिंग का मीनिंग सबको क्लियर है, ठीक. ये सारी चीज़ें हमारी सेल एंड परचेज होती हैं. अब इन सेल एंड परचेज में जो जो चीज़ें आती हैं, मतलब इसमें जो भी कॉस्ट लगती है, मतलब 4 P's लगते हैं, प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, मार्केटिंग मिक्स लगती है, प्रमोशनल टूल्स लगते हैं, ये सारी चीज़ें हमारा मार्केटिंग कवर करता है, ठीक. अब मार्केटिंग तो हमें पता ही है क्या होती है मार्केटिंग. अब हम इंटरनेशनल उसके आगे हमने लगा दिए. इंटरनेशनल मतलब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय. मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम जो अपनी मार्केटिंग करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल मार्केटिंग. मार्केटिंग हमें पता था ना, तब हमने इसमें इंटरनेशनल लगा दिया कि इंटरनेशनल ही कर रहे हैं हम. अपने यहाँ नहीं करके, मतलब अपने यहाँ तो कर रहे हैं, उसे हम बाहर तक भी पहुँचा रहे हैं, ठीक है. इंटरनेशनल ही कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं, तो दैट इज़ इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है. इस पर्टिकुलर टर्म से हमने मीनिंग क्लियर कर लिया. अब हम समझते हैं इसका डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है. इसकी डेफिनेशन ये लिखी है कि डेफिनेशन क्या, एक तरह से मीनिंग ये लिखी हुई है, इंटरनेशनल मार्केटिंग मीन्स application of marketing principle to satisfy the need of different people residing in different country. मतलब international marketing हमारा ये कहता है कि हम marketing principle में हमारे marketing mix वगैरह आता है. मतलब marketing mix क्या होता है, 4 P's, product, price, place, promotion. ये सारे जितने भी हमारे marketing principle हैं, वो हम सारे apply करते हैं. किस में apply करते हैं, international marketing में. क्यों apply करते हैं, डिफरेंट पीपल्स की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, या फिर डिफरेंट पीपल हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में रह रहे हैं, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. हम छोटे शब्दों में ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केटिंग में हम मार्केटिंग प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं, या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करते हैं, या फिर जो कुछ हम मार्केटिंग में करते हैं वो हम इंटरनेशनल मार्केटिंग में अप्लाई करते हैं. वो इसलिए अप्लाई करते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ में जो पीपल रह रहे हैं, उनकी नीड्स को और वांट्स को हम सेटिस्फाई कर सके, ठीक है. ये हमारी इंटरनेशनल मार्केटिंग हुई. अब अगर हम बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज कह लो, या सिग्निफिकेंस कह लो, या स्कोप कह लो, ये मतलब क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें इंटरनेशनल मार्केटिंग की. हमें इसलिए ज़रूरत पड़ी, नंबर वन, एक्सपैंड टारगेट मार्केट. फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम, मैं अपना ही एग्जांपल ले लेती हूँ. मेरा ये चैनल है, यूट्यूब चैनल, ठीक है. अब इसको मैंने बनाया, इसको मैं क्यों बोलती हूँ कि भाई आप शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्यों चाहती हूँ कि मैं ये इसीलिए तो चाहती हूँ कि मैं अपनी मार्केट को एक्सपेंड करूँ. मैं इतने से एरिया में हूँ तो मैं कवर करना चाहती हूँ इतना सारा एरिया, जितना मुझे मिलेगा उतना मैं धीरे धीरे करके कवर करना चाहती हूँ. तो मतलब इसीलिए तो मैं बोलती हूँ शेयर करो, मतलब मैं मार्केट को अपना बढ़ाना चाहती हूँ, मतलब अपने स्कोप को मैं बढ़ाना चाहती हूँ. ऑब्वियसली जब स्कोप को बढ़ाएंगे, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है. ये हमारा बेसिक, मैंने अपना एग्जांपल लेके बताया, एक्सपेंड टारगेट मार्केट, अपनी मार्केट को एक्सपेंड करना. एक्सपेंड करेंगे तो प्रॉफिट हमें होगा, ठीक है. फिर इंक्रीज सेल्स, ऑब्वियस है कि अभी हमारे चैनल पे कुछ ऑब्वियस है अभी हमारे चैनल पे थोड़े लोग हैं,
ठीक है, फिर ज़्यादा लोग होने लगेंगे, तो ज़्यादा लोग जब हो जाएंगे तो ऑब्वियस है कि हमारा ऑब्वियस है कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। या फिर हम बात कर लेते हैं उसकी सेल्स की, बात कर लेते हैं कि मान लो अभी इसे 10 लोग परचेस कर रहे हैं हमारी कंट्री में, कोई भी हमने बिस्किट बनाया है इसे 10 लोग परचेस कर रहे हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पे पूरा इंटरनेशनली इसे सेल आउट करेंगे इस बिस्किट्स को, तो ज़्यादा लोग परचेस करेंगे, यहाँ से भी 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 लोग परचेस करेंगे, सब जगह से लोग परचेस करेंगे। जब ज़्यादा जगह से लोग परचेस करेंगे तो हमारी सेल्स बढ़ेगी, ठीक है। इसीलिए तो हम लोग एडवर्टीज़मेंट वगैरह करते रहते हैं, कोई भी शॉप खुलती है तो एडवर्टीज़मेंट, वो बैनर्स ये सब लगाए जाते हैं कि उनकी सेल्स इंक्रीज़ हो। तो ये हम इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं हाई प्रॉफिट, भाई जब सेल्स बढ़ेगी तो ये ऑटो कनेक्टेड हैं, दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ज़्यादा लोग खरीदेंगे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। या फिर बूस्ट ब्रांड रेपुटेशन, हाँ हमारी ब्रांड रेपुटेशन क्या है, अभी हमारा चैनल है, कुछ लोगों को अगर पता है तो कुछ लोगों को, जब ज़्यादा लोगों को पता होगा तो इसकी ब्रांड की रेपुटेशन क्या होगी, बढ़ेगी, ज़्यादा होगी, इंक्रीज़ होगी। जब लोगों को पता ही नहीं होगा तो हमारी ब्रांड की रेपुटेशन कैसे इंक्रीज होगी, है ना। तो हमें बताना होगा लोगों को कि क्या हम प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट क्या प्रोवाइड करवाते हैं या क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, तो इसे इंक्रीज़ करेंगे। जब हम इंटरनेशनली इंक्रीज़ करेंगे तो वो बूस्टअप होगी रेपुटेशन। तो मेरे अकॉर्डिंग इतना मीनिंग आपको अगर क्लियर हो गया है ना, तो आप इंटरनेशनल मार्केटिंग का, अगर आपके बीकॉम वगैरह एमकॉम जिसमें भी आप हो, बीकॉम में हो, तो आप इसका मीनिंग आराम से इजीली लिख लो। सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केटिंग डालना हेडिंग, उसके बाद इसमें आप मीनिंग लिख देना हाफ पेज की, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन लिख देना कॉटलर वगैरह की, उन्होंने दी है, ठीक। उसके बाद स्कोप एडवांटेज का ऐसे ही ग्राफ बना के लिखना आप, फिर एक एक को एक्सप्लेन कर देना, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। जिन्होंने ये वीडियो की रिक्वेस्ट की मैं उन्हें बता रही हूँ, ठीक है। और बाकी मीनिंग इतना ही, अगर मीनिंग क्लियर हो गया तो आप इस पर थ्योरी लिख सकते हो, ठीक। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इंटरनेशनल मार्केटिंग में, मैं फालतू में इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ, ठीक है। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी एंड गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप जो भी बोलते हो उस अकॉर्डिंग मैं बना देती हूँ वीडियो, इसलिए आपका भी एक मतलब फ़र्ज एक तरह से हो सकता है कि आप वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।